हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। दिल तेरे नाम जो टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, आज हम इस वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस टाइप का ग्रीन स्क्रीन का वीडियो आपको शूट करना पड़ेगा। शूट करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर अप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको काइन मास्टर अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको काइन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 वाला रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कलर जो है आपको ब्लैक सेलेक्ट करना है। इसके बाद वीडियो को अकॉर्डिंग इसको आपको बड़ा कर देना है। तो मैं लगभग वीडियो जो होता है टिकटॉक आपको 15 सेकंड के आसपास होता है, तो मैं 15 सेकंड आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद मैंने एक दिल का जो PNG है मैंने डाउनलोड कर रखा हूँ, तो आपको भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे आपको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसे आपको बड़ा कर देना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आउट एनिमेशन में आना है और इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट किए थे वो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको फुल साइज कर लेना है। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्रोमा की पे आना है और क्रोमा की को इनेबल कर देना है और आपको सही तरह से इसे आपको एडजस्ट कर लेना है। और कलर की में आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। और इसके बाद दिल वाले लेयर पे क्लिक कर कर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद लास्ट में आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद आपको यहाँ पे ओरिजिनल वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है, आपको 15 सेकेंड के वीडियो है। इसके बाद आपको यहाँ पे 6 से 7 सेकेंड तक आपको बैकग्राउंड लेना है, तो 7 सेकेंड तक मैं रहने देता हूँ। इसके बाद बैकग्राउंड क्लियर पे क्लिक करता हूँ और कैंची के निशान पे क्लिक करता हूँ और ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। दिल के लेयर वाले पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने जो ओरिजिनल वीडियो था वो मैंने डाल दिया हूँ यहाँ पे। तो ओरिजिनल वीडियो में ऑलरेडी साउंड मेरे पास ऐड है, तो सिंपल इस पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इसके बाद इस पर आपको देख सकते हैं नीचे जो साउंड तो बाहर निकल चुका है, इसे प्रेस करके रखना है और इसे लास्ट तक लेकर आ जाना है। देख सकते हैं आप वीडियो जो हमारा आप कुछ इस तरह के देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमें वीडियो चाहिए सिर्फ 15 सेकेंड तक चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। जब भी आपको वीडियो एडिट करेंगे तो इस बात को ध्यान रखना है, जो ओरिजिनल वीडियो में जो कुछ स्टार्टिंग का पार्ट आपको नहीं रखना, लास्ट का पार्ट आपको रखना है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है और ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और हमारा वीडियो जो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।